स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। शुरुआत कर रहे हैं बैतूल की खबर के साथ, जहां पर चुनाव की तारीखों में बदलाव किया गया है। 26 अप्रैल की जगह अब 7 मई को वोटिंग होगी। नॉमिनेशन की तारीख 19 अप्रैल है। नाम वापसी की तारीख 22 अप्रैल है। बीएसपी उम्मीदवार के निधन के बाद ये फैसला लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बैतूल में अब 26 अप्रैल की जगह 7 मई को वोट डाले जाएंगे। बैतूल में बीएसपी प्रत्याशी की आकस्मिक हुई मौत की वजह से मतदान प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। 26 अप्रैल की जगह अब 7 मई को वोटिंग होगी। नॉमिनेशन की तारीख 19 अप्रैल कर दी गई है और नाम वापस लेने की तारीख 22 अप्रैल की गई है। और अब बात रायपुर की, जहां बीजेपी डेलीगेशन पहुंचा है निर्वाचन कार्यालय। कवासी लखमा के बयान को लेकर शिकायत करने के लिए यहां पर बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा है। चुनाव प्रचार के दौरान विवादित बयान देने का आरोप है। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कवासी लखमा के बयान को विवादित बताते हुए शिकायत दर्ज कराने पहुंचा है बीजेपी का ये डेलीगेशन। तो लगातार कवासी लखमा एक के बाद एक अपने बयान के चलते यहां पर विवादों में आ रहे हैं, और अब प्रधानमंत्री मोदी को लेकर दिए गए बयान के बाद एक नया विवाद खड़ा हो गया है। आकाश शुक्ला हमारे सहयोगी रायपुर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। आकाश, अब बीजेपी के लोग पहुंचे हैं चुनाव आयोग यहां शिकायत दर्ज कराने के लिए कवासी लखमा के खिलाफ। जी बिल्कुल, कवासी लखमा पूर्व मंत्री हैं और बस्तर से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। ऐसे में एक सभा के दौरान उन्होंने बयान दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, जिसमें उन्होंने जो बस्तरिया भाषा में कहा कि कवासी लखमा जीतेगा और नरेंद्र मोदी मरेगा, खेल खत्म, इस तरीके से भाषा का उपयोग किया था, जिसको लेकर बीजेपी जो है आक्रोशित है। और प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर निर्वाचन आयोग पहुँचे हैं, उसमें मोतीलाल साहू विधायक, महामंत्री संजय श्रीवास्तव समेत संगठन के अन्य पदाधिकारी थे। उन्होंने शिकायत दर्ज कराई और यह भी निर्वाचन आयोग से कहा है कि पहले भी इस तरीके से कांग्रेस के द्वारा लगातार प्रधानमंत्री के खिलाफ बयानबाजी की जा रही थी। इससे पहले जो है चरणदास महंत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लाठी वाले भाषा का उपयोग किया था। इसके बाद कल फिर बयान आया था, डिफाल्टर अब वाले शब्द का एक बयान आता है, उसके बाद फिर से कवासी लखमा का इस तरीके से बयान। तो तमाम तरीके से जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस लगातार कह रही है, उसको लेकर बीजेपी में काफ़ी आक्रोश है और इसीलिए लगातार वो शिकायतें भी दर्ज करा रही थी। इससे पहले भी उन्होंने शिकायत दर्ज कराया, आज भी जाके वो प्रतिनिधि मंडल ने शिकायत दर्ज कराया है और कार्रवाई की मांग की है। जी बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। बात भोपाल की, जहां कमलनाथ की पीसीसी से दूरी। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं पहुंचे कमलनाथ। न्याय पत्र 2024 को लेकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। कमलनाथ को छोड़कर सभी बड़े चेहरे मौजूद रहे। कमलनाथ की गैर मौजूदगी पर बोले प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, उनके कार्यक्रम पहले से ही फिक्स थे, इसलिए कमलनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हो पाए। शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, चाहे जीतू पटवारी कुछ भी कहे, सवाल तो उठने थे ही और अब इसीलिए सवाल पूछे भी जाएंगे। देखिए, सवाल उठना इसलिए लाजमी है कि देखिए मध्य प्रदेश में आज जो न्याय पत्र है उसको आज जारी किया गया। तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे, चाहे वह पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की बात हो या अरुण यादव की बात हो, जीतू पटवारी हो, उमंग सिंघार हो, तो तमाम जो बड़े नेता हैं, यानी जो फ्रंटलाइन लीडरशिप है कांग्रेस की, वो सभी के सभी इसमें शामिल रहते हैं, लेकिन कमलनाथ इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सही तरह के सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि जीतू पटवारी हो या कांग्रेस के
तमाम जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि चूंकि छिंदवाड़ा में नकुलनाथ चुनाव लड़ रहे हैं, पहले चरण में वहां पर चुनाव हो रहा है और बीजेपी जिस तरीके से लगातार उनको घेरने की रणनीति बना रही है, उस रणनीति को असफल करने के लिए लगातार कमलनाथ जो है वो छिंदवाड़ा में डटे हुए और यही कारण है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए हैं। अगर उसके उलट अगर मैं बीजेपी की बात करूँ तो बीजेपी सवाल खड़े कर रही है कि देखिए जब से उनको पद से हटाया गया उसके बाद से वो पीसीसी से दूरी बना रहे हैं, बड़े नेताओं से वो मेल मुलाकात नहीं करते हैं और ना ही कोई बड़ा नेता उनके इलाके में प्रचार करने जा रहा है। देखिए जिस तरीके से जब नॉमिनेशन हुआ था उस दिन जरूर बड़े नेता वहां पर प्रचार करने जो उनके नॉमिनेशन में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद किसी भी बड़े नेता ने वहां पर कोई कार्यक्रम नहीं किया। यहां तक कि राहुल गांधी भी मध्य प्रदेश के दौरे पर आते तो छिंदवाड़ा वो नहीं गए और आने वाले समय में भी किसी भी बड़े नेता का वहां पर कोई दौरा प्रस्तावित नहीं है। अगर उसके उलट हम मैं बीजेपी की देखूं तो तमाम जो मंत्री हैं वो वहां लगातार डेरा जमाए हुए हैं, मुख्यमंत्री खुद एक सप्ताह में तीसरी बार आज छिंदवाड़ा में है, तो ये माना जा सकता है किस तरीके से कमलनाथ को उनके ही गढ़ में घेरने की तैयारी है। और ऐसे में जब कांग्रेस का न्यायपत्र जारी हो रहा है, पूरी प्रदेश की फ्रंटलाइन लीडरशिप मौजूद है और कमलनाथ की अगर गैर मौजूदगी रहती है तो सवाल उठना लाजमी हो जाता है। जी बहुत शुक्रिया शैलेंद्र भदौरिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। रायपुर में उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन का बयान, प्रदेश की सभी 11 सीटें बीजेपी जीत रही है, राहुल गांधी के दौरे पर निशाना साधा, राहुल गांधी जहां जाते हैं कांग्रेस की नैया डूब जाती है, राहुल गांधी क्या बोलते हैं ये जनता समझ नहीं पाती, कांग्रेस के शासनकाल में भ्रष्टाचार का खेल चला। चरण में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और लोकसभा चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियां प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं। लगातार छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय नेता भी जो है अपनी अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए आ रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है लखनलाल देवांगन जी। लगातार आप लोग क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, कैसा माहौल पा रहे हैं, क्या आकलन है आप? प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है और प्रधानमंत्री जी देश में इतने लोकप्रिय हैं, हर जनता चाहती है कि नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने। अब 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी इस बार छत्तीसगढ़ में जीत रही है। 13 अप्रैल को राहुल गांधी बस्तर आ रहे हैं, बस्तर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, कैसे देखते हैं उनके? देखिए राहुल गांधी जहाँ जहाँ पर जाते हैं कांग्रेस की नैया डूब जाती है, बंठाधार हो जाती है। नरेंद्र मोदी जी का करग आकर्षण है और राहुल गांधी जी को जनता पसंद नहीं करता। राहुल गांधी क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं वो भी जनता को समझ नहीं आता। हम भी दावा कर रहे हैं कि 11 की 11 लोकसभा सीट आप लोग जीतेंगे, दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि वो भी भाजपा से अधिक सीट इस बार के लोकसभा चुनाव होगा। कांग्रेस की बातों को आज जनता विश्वास नहीं करता, भ्रष्टाचार का खेल चला। मनमोहन जी का भी सरकार था, आज ये मंत्री जेल है, मंत्री बेल, इतना भ्रष्टाचार करप्शन में लिप्त थे और इस कारण से देश की जनता समझ चुकी कांग्रेस में खाली भ्रष्टाचार का बोलबाल चलता है, विकास का काम होता नहीं है। कांग्रेस समापन की ओर है और आने वाले समय में पूर्ण रूप से कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। ये प्रधानमंत्री के कल के सभा के बाद कांग्रेस ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की थी और इस प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा था कि वॉशिंग मशीन मोदी में सारे भ्रष्टाचारी जो हैं वो धुलकर चमक गए। देखिए भारतीय जनता पार्टी में आज लोग आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी अच्छे लोगों को अपने पार्टी में सम्मिलित कर रहा है। भ्रष्टाचार बोल देने से नहीं होता, उसका प्रूफ भी होना चाहिए और कांग्रेसियों ने जो भ्रष्टाचार किया है उसका प्रमाणित हो चुका है और कांग्रेस पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो देखिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन जी, जिससे हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत की। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ तनु वर्मा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर।